हिंदी दिवस के अवसर पर आज खारघर में उत्तर भारतीय स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर तमाम हिंदी भाषी उद्यमियों, समाज सेवकों और विद्वत जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। समाज सेवक और उद्यमी हेमंत सिंह और प्रभाकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में काव्य सम्मेलन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। राष्ट्रभक्ति और एकजुटता का जोश भरते हुए खारघर के हिंदी भाषियों को यहाँ एकजुट रहने का संदेश दिया गया। देखिए रिपोर्ट। खारघर में दिख रहा यह नजारा हिंदी दिवस पर आयोजित स्नेह मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का है। सकल हिंदी समाज के सौजन्य से समाज सेवक और उद्यमी हेमंत सिंह, प्रभाकर सिंह एवं प्रमोद सिंह टीम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदी भाषियों की एकजुटता का जमकर जयघोष हुआ। यहां खारघर कॉलोनी फोरम की अध्यक्षा व स्थानीय नेता लीना अर्जुन गरण, समन्वयक मधु सेठ पाटिल समेत उत्तर भारतीय समाज के कई दिग्गज खास तौर पर मौजूद रहे। फोरम की अध्यक्षा लीना गरड ने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम एकजुटता, सामाजिक उत्थान और जन समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी बन सकते हैं। हिंदी दिवस स्नेह सम्मेलन और कवि सम्मेलन जिस तरह से यहाँ पे यहाँ के आयोजकों ने, श्री हेमंत सिंह जी हैं, श्री प्रभाकर सिंह, श्री प्रमोद सिंह पांडे जी और दुबे जी, जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया है, काफी बढ़िया आयोजन हुआ है। यहाँ पे बड़ी मात्रा में हिंदी भाषी समाज उपस्थित है और बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े संख्या में आज यहाँ पे हिंदी भाषी समाज आए। सब लोगों ने इस सम्मेलन का आनंद उठाया और सबके दिलों में जिस तरह से देशभक्ति जागृत हो गई है और इसी तरह से हम लोग एक साथ मिलकर इस हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें और इसकी गरिमा को बनाए रखें। यहाँ काव्य सम्मेलन सुर्खियों में रहा। कवि डॉक्टर राव बुंदेली और ज्योति त्रिपाठी ने जहां अपनी कविताओं से राष्ट्रभक्ति का जज्बा भरा, वहीं कवि योगेश मिश्रा और सूरज कुमार की कविताओं ने लोगों को जमकर हंसाया। हिंदी दिवस के अवसर पर स्नेह मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन करने वाले उद्यमी हेमंत सिंह ने कहा कि अब खारघर का हिंदी भाषी समुदाय एकजुट हो गया है और हिंदी को उसका राष्ट्रीय सम्मान दिलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। जो कार्यक्रम था, हम लोगों ने हिंदी भाषियों को एकजुट करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस आयोजन में मेन हमारा जो उद्देश्य था, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त करे, उसलिए हमने कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक इस तरह का प्रचार प्रसार हिंदी का करें ताकि हमारी एकजुटता को देख कर सरकार हिंदी को एक महत्व दे। हिंदी अगर एक देश की राष्ट्रभाषा बनती है तो हमारे लिए गौरव का विषय होगा और हिंदी तो आपको पता है कि हर प्रदेशों में हर जगह हिंदी एक ऐसा भाषा है जो लोगों को जोड़ती है। हिंदी में वो स्नेह है जो एक लोगों को अपने में समाहित कर लेने का कार्य करती है, इसलिए हम लोग हिंदी को आगे ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और उसके लिए जितना हमसे हो सकेगा हम हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।